हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम। सो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गेट 2017 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर के बारे में। उसके रिजल्ट की एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मार्क्स वर्सेस रैंक का है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम गेट 2017 में मैकेनिकल पेपर की बात कर रहे हैं तो कट ऑफ की बात पहले कर लेते हैं। कट ऑफ जो गया था जनरल का 32.70 गया था, जो कि पिछले 2016 के कंपैरिजन में ज़्यादा था। अगर हम ओबीसी की कट ऑफ की बात कर लें जो कि 29.4 था, और हाँ लास्ट ईयर ओबीसी का कट ऑफ 26.6 गया हुआ था। अगर एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो इस साल उनका कट ऑफ 21.80 था, और लास्ट ईयर एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट का कट ऑफ जो था वो 19.7 था। इसके बाद हम लोग कुछ रैंक की बात कर लेते हैं। जो रैंक होती है वो मार्क्स पे डिपेंड करती है और मार्क्स के अकॉर्डिंग गेट स्कोर जनरेट होता है। अगर हम टॉपर की बात कर लें जो कि मैकेनिकल का टॉपर था, उसके 94.85 मार्क्स थे, और अगर हम मार्क्स के अकॉर्डिंग गेट स्कोर और रैंक की बात करें तो आप देख सकते हैं 92.28 पे 965 गेट स्कोर है और रैंक जो है 8 है, और आगे देख सकते हैं 85.92 मार्क्स पे 900 गेट स्कोर है और रैंक जो है अभी भी 82 आई हुई है। मतलब यहाँ पे 7 नंबर डिक्रीज हो गए तब भी रैंक जो है वो केवल 80 तक बढ़ी है। 77.3 मार्क्स पे 811 गेट स्कोर है और जो रैंक है 615 है। तो अभी भी देख सकते हैं जो रैंक है वो लगभग 500 टू 600 इंक्रीज हुई है, और यहाँ पे मार्क्स जो हैं वो लगभग 7 to 8 मार्क्स और कम हो गए हैं। इसी अकॉर्डिंग अगर और बात करें तो 70 मार्क्स पे 736 गेट स्कोर है और जो रैंक है वो 1886 है। यहाँ पे जो रैंक में वेरिएशन आया है अप टू 94 मार्क्स से 70 मार्क्स तक, देख सकते हैं केवल 1800 रैंक है, और इसी के अकॉर्डिंग जो गेट स्कोर है उसमें आप देख सकते हैं 965 से लगभग 736 गेट स्कोर तक वेरिएशन आया है। अगर नेक्स्ट बात करें अगर 65 मार्क्स के अकॉर्डिंग 684 गेट स्कोर बन रहा था और जो रैंक है वो 3495 है, जो कि काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ तक लगभग पीएसयू की कॉल आने का कोई चांस नहीं। मोस्टली जो जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 70 to 75 मार्क्स तक कॉल आने के चांसेस रहते हैं, और सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी जो होती है वो लगभग 80+ मार्क्स पे श्योर रहती है। और आगे बढ़ते हैं तो 59 मार्क्स लगभग 624 गेट स्कोर है और जो रैंक है लगभग 5885 पहुंच चुकी है, और अगर 54.25 मार्क्स पे देखें तो 572 गेट स्कोर हो चुका है और जो रैंक है वो 8000 तक पहुंच चुकी है। और आगे देख लेते हैं तो 41 मार्क्स पे 437 गेट स्कोर है, जो कि बहुत कम है, और जो रैंक आई है वो 18000 तक पहुंच गई है, और इसी के अकॉर्डिंग अगर आगे देखते हैं तो 33.7 मार्क्स पे जो गेट स्कोर है वो 358 है और जो रैंक है लगभग 25000 पहुंच चुकी है, और इसी तरह लगभग 25 to 30000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं, जो कि लगभग 200000 स्टूडेंट्स में होता है। तो आप देख सकते हैं जो क्वालिफाइंग रेशियो बहुत कम है, तो आपके मार्क्स अगर 50 to 75 तक रहते हैं तो आपके चांसेस केवल एमटेक तक सीमित रहते हैं, आपको पीएसयू से कॉल आना मुश्किल ही रहता है। तो आप लोग इस रैंक और मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार ध्यान से देख लें। और भी हेल्पफुल वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल मैकेनिकल फोरम को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।